हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूवर्स, आइए देखते हैं थोड़ी देर पहले आपके पर्सन आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे थे। थोड़ी देर पहले आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर क्या थी। ओके, ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी जोडियक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। बस आपको करना यही है कि जिसके लिए सोचकर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, रीडिंग के दौरान उस इंसान को विजुलाइज करते रहें और उस इंसान के लिए पॉजिटिव बने रहें। ओके व्यूअर्स, अभी तक हमारे पास कार्ड्स आए हैं 10 ऑफ वांड्स, द सन, 3 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वांड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर फायर एलिमेंट है और साइन है मेष सिंह धनु एरिस लियो सजिटेरियस और अर्थ एलिमेंट है, साइन है मकर वृषभ कन्या कैप्रिकॉर्न टॉरस वर्गो। ओके व्यूअर्स, ये आपके साइन या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बॉटम ऑफ द डेक के कार्ड की बात करें ना, जो हमारे पास आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी निकल कर आई है ना, तो यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और यहाँ पर कमिटमेंट इश्यूज हो सकते हैं, या तो आप या फिर आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है और इस बात की वजह से आप और आपका पार्टनर दोनों ही काफ़ी बर्डन ले रहे हैं। आप इस रिलेशनशिप को निभाना चाहते हैं और अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाहते हैं, तो यहाँ पर अगर थोड़ी देर पहले आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात की जाए ना, तो ये पर्सन भी काफ़ी स्ट्रेस में थे, काफ़ी बर्डन ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 10 ऑफ वांड्स भी आए हैं, 10 सन भी आए हैं। तो इस पर्सन को इस बात का काफ़ी बर्डन है कि ये आपको खुशी नहीं दे पा रहे हैं, ये आपको वो चीज़ नहीं दे पा रहे हैं जो आप इससे चाहते हैं, यानी कमिटमेंट चाहते हैं आप इस पर्सन से और ये दे नहीं पा रहे हैं। इसकी वजह से ये काफ़ी दुखी थे, परेशान थे थोड़ी देर पहले, क्योंकि हमारे पास 10 सन भी आया है और 10 ऑफ वांड्स भी है, तो दोनों ही कार्ड की अगर हम बात करें ना, तो ये काफ़ी बर्डन ले रहे हैं इस चीज़ का, क्योंकि ये आपको खुशी नहीं दे पा रहे। आपकी ज़िंदगी में खुशियों की कमी हो सकती है और वो जो खुशियाँ आपको नहीं दे पा रहे ना आपके पर्सन, वो यहाँ पर क्लियर है। 3 ऑफ पेंटिकल्स है हमारे पास, यहाँ पर आपका पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक है, या तो आप या फिर आपका पार्टनर मैरिड हो सकते हैं। और दूसरी वजह यह हो सकती है कि अगर ये पर्सन जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं ये मेल पार्टनर है आपका, तो यहाँ पर करियर प्रॉब्लम्स ही है इस पर्सन को, इस पर्सन का करियर कुछ सही नहीं चल रहा, उसमें कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं बट सक्सेस बहुत ही मुश्किल से मिल रही है इस पर्सन को। ये बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तब जाकर इनको एक कदम आगे बढ़ने का मौका मिलता है, तो इस चीज़ का भी बर्डन इस पर्सन पर है। और अगर ये फीमेल पार्टनर है ना आपका, तो इस पर्सन की एज कम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पेज ऑफ वांड्स है, तो इस पर्सन की एज थोड़ी सी कम है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि अभी अगर आपने इस पर्सन से कमिटमेंट चाहा या आपने इस पर्सन को कमिटमेंट दिया, तो आप दोनों का एक होना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आप दोनों की फैमिलीज ना एक दूसरे को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगी, क्योंकि अभी ये राइट टाइम नहीं है शादी का या फिर फैमिली बनाने का, ये तो अभी टाइम है करियर बनाने का, स्टडी कंप्लीट करने का, घूमने फिरने का, एंजॉय करने का। तो यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम्स है ना आप दोनों के जीवन में हैं, और यही सारी बातें आपका पर्सन थोड़ी देर पहले सोच रहा था, काफ़ी बर्डन ले रहा था, आपको बहुत मिस भी कर रहा था, थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलने की प्लानिंग कर रहा था, आपके साथ में इस रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहा था, अगर आप दोनों की बात नहीं हो रही है तो बात करने के बारे में सोच रहा था। ओके व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी, और अगर थोड़ा भी रेजोनेट की है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। मैं मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, लव यू ऑल।